डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एनसीईआरटी से संबंधित घोषणा। हम लोगों ने जो डिसाइड किया है एनसीईआरटी को कंप्लीट करने का, वो हम लोग करेंगे 30 तारीख से। 30th से एनसीईआरटी हम लोग स्टार्ट लेंगे, आधुनिक भारत से शुरू करेंगे। आप पहले अगर संभव हो तो कम से कम आधुनिक भारत आप ले लें, एंशंट। ये दोनों बुक्स दरअसल मिल नहीं रहा, चूंकि आउट ऑफ स्टॉक है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब इसके फोटो कॉपीज मिल रहे हैं जो अच्छे प्रिंट नहीं हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो आप छोड़ दें। बहुत लोगों को, दूर दराज के इलाके के छात्रों को, छात्राओं को ये नहीं मिल रहा है, तो आप टेंशन ना लें। आपके पास जो बुक्स है उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है, आप उसे पढ़ें। और आप, हम लोग जो एपिसोड्स करेंगे उसे आप सुन लें, अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात है कि आप जो 10 टॉपिक्स कर रहे हैं, ये 10 टॉपिक्स काफ़ी लोग कंप्लीट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमें सूचनाएँ मिलती रहती हैं। और काफ़ी लोग थोड़े 5, 7, 4 कंप्लीट कर पा रहे हैं, और कुछ लोग पढ़ रहे हैं लेकिन काफ़ी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। कारण यह है कि दरअसल काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो थोड़े से गाइडेंस जिनके लिए उन्हें चाहिए, जो उन्हें नहीं मिल पाता। और हमारे लिए भी चिंता का विषय है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ये हमारे लिए भी कंसर्न्ड फैक्टर है। इस पर लगातार हमारे जो दिमाग में है बातें चल रही हैं, देखते हैं ये कैसे हो पाता है। देखिए, आप जो पढ़ रहे हैं ये कैसे पढ़ रहे हैं, इसका आज एक छोटा सा टेस्ट आपका हो रहा है। आप जो टॉपिक्स कर रहे हैं ये कितने अच्छे से, सफाई से कर रहे हैं, इसका आज छोटा सा टेस्ट आपका होगा। और ये टेस्ट है राजभाषा। कल हम लोगों ने लिया था राजभाषा टॉपिक, हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी में लिया था। आपने इसे किया, कैसे किया, कितना किया, कितने अच्छे से किया, अभी क्लियर हो जाएगा। हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर इनके 70% आंसर्स भी आप जानते हैं, दे पाते हैं, तो हम कहेंगे कि आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी है। कुछ लोग तो बिना पढ़े भी जवाब दे देंगे, चूँकि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो इसे पढ़ चुके होते हैं, और जो 10 टॉपिक्स में इसे कर रहे हैं वो कम से कम 70% क्वेश्चंस के आंसर अगर दे देते हैं, तो हम कहेंगे कि उन्होंने इसे अच्छे से पढ़ा है। पहला क्वेश्चन, राजभाषा भारतीय संविधान के किस भाग में, पाठ में वर्णित है? समझ लें, भारत का संविधान 22 भागों में बटा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, राजभाषा भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियों में वर्णित है, कहां से कहां तक आर्टिकल्स आपको बताने हैं। तीसरा क्वेश्चन, राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 में हुई, इसके चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे? चौथा क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन, फॉर्मेशन कौन करते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राजभाषा मंत्रालय? पांचवा क्वेश्चन, किस अनुसूची में, शेड्यूल में 22 राष्ट्रीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है? सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप सुनते जाएं, काफी लोग इसके आंसर कर रहे होंगे क्योंकि उन्हें पता है। 22 राष्ट्रीय भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची शेड्यूल में मिलता है? अब वेरी इंपॉर्टेंट, 22 भाषाओं में अंग्रेजी, राजस्थानी, गुजराती, इसमें कौन राष्ट्रभाषा है, कौन राष्ट्रभाषा नहीं है, यानी 22 भाषाओं में से इस 3 में कौन है या नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस विदेशी भाषा को या कितनी विदेशी भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? अगला क्वेश्चन, भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? शास्त्रीय भाषाओं की संख्या, क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, हाउ मेनी? तो ये टोटल आपके क्वेश्चंस हैं, आप सोच लें इसके कितने आंसर्स आप कर पाते हैं। अगर 2 को छोड़कर 2 मिस्टेक आप करते हैं तो चलेगा, रेस्ट के आंसर्स आपको देने चाहिए। ये बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे, आपको बता दें, ये रेगुलर एग्जाम्स में दिखने वाले क्वेश्चंस हैं, और ये आपको एनी हाउ, अगर इसमें से 2 को छोड़कर रेस्ट आंसर्स भी आप जान रहे हैं तो आपने इसे पढ़ा है। अब देखिए, 22 भाषाओं के बारे में हम आपको क्लियर कर दें, 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब इसमें तो 22 भाषाएं हैं, बीच में कोई एक भाषा डालकर ये प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रभाषा नहीं है। जैसे हमने आपसे पूछा अंग्रेजी, राजस्थानी और गुजराती में कौन राष्ट्रभाषा है या नहीं है। अब देखिए, 22 भाषाओं को एकदम अभी आपके दिमाग में आ जाएगा। पहली बात, हिंदी, उर्दू तो राष्ट्रभाषा होगी, आप 2 ये काउंट कर लें।
चार दक्षिण की भाषाओं को ले लें, निश्चित रूप से ये राष्ट्रभाषा होंगी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, छह हो गया। अब ठीक दक्षिण के ठीक ऊपर उत्तर आ जाइए, कश्मीर। कश्मीर की कितनी भाषाएं हैं राष्ट्रभाषा? दो भाषाएं हैं, कश्मीरी और डोगरी, तो यहां पर आठ हो गया। अब आ जाइए ठीक उत्तर के दाईं तरफ आ जाइए, हिमालय के नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कितनी भाषाएं हैं जो राष्ट्रभाषाएं हैं? असमिया, मणिपुरी और बोडो। अभी लास्ट में हाल ही में कुछ साल पहले बोडो को इंक्लूड किया गया, तो तीन यहां पे आ गई। तो चार दो छः दो आठ और तीन ग्यारह हो गई। अब आइए अपने बिहार आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से लगा हुआ हमारा बिहार राज्य। बिहार से लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं? पूर्वी बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये चार पूर्वी राज्य हैं जो बिहार से लगे हुए हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। बिहार से हिंदी उर्दू छोड़ दीजिए, वो हम लोग ले चुके हैं, मैथिली है। बिहार की मैथिली राष्ट्रभाषा में दर्ज है। इससे सटा हुआ झारखंड, झारखंड से संथाली को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। इससे सटा हुआ ओडिया, ओडिशी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, बांग्ला। चार यहां से हो गया। अब आ जाइए पूरब के ठीक पश्चिम, इसके उलट आ जाते हैं पश्चिम में। पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, गुजरात, चार मुख्य राज्य हैं। आइए उठाते हैं, महाराष्ट्र मराठी है, गोवा में कोंकणी है, गोवा की भाषा राष्ट्रभाषा है। उसके बाद पश्चिम में आ जाइए गुजरात, राजस्थान, पॉइंट टू बी नोटेड, राजस्थानी राष्ट्रभाषा नहीं है, गुजराती है, यह आप ध्यान रखें। अब आ जाइए दो विदेशी भाषा को लेते हैं, कौन कौन से हैं? सिंधी और नेपाली, ये राष्ट्रभाषा है। हालांकि सिंधी तो राजस्थान में बोली जाती है, हमारे भारत में भी बोली जाती है सिंधी भाषा राजस्थान में, लेकिन ये मुख्य रूप से सिंध की, पाकिस्तान की सिंध की भाषा है। तो सिंधी हम विदेशी श्रेणी में इसे रख रहे हैं, और नेपाली दो हो गया। और दो भाषा और छूट रहा, संस्कृत और पंजाबी। ये हमारी टोटल 22 भाषाएं अभी आपको हमने गिना दिया, हिंदी उर्दू, दक्षिण की चार भाषाएं, कश्मीर में डोगरी की दो भाषाएं, नॉर्थ ईस्ट की तीन भाषाएं, बिहार से लगी हुई चार भाषाएं, बिहार के ठीक उलट पूरब के पश्चिम में आ जाइए तीन भाषाएं, उसके बाद दो विदेशी भाषाएं, दो संस्कृत के साथ पंजाबी, कंप्लीट 22 भाषाएं हो गई। तो आप इसे हम आपको दे भी रहे हैं यहाँ पे, इनके नाम क्रोनोलॉजिकली आपको हम दे रहे हैं, इस तरह से आपको याद हो सकता है। बिल्कुल ध्यान रखें, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, राजस्थानी, ये सब भोजपुरी, ये सब राष्ट्रभाषाएं नहीं हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा, ये इससे प्रश्न बराबर बनता है। और जो प्रश्न हमने आपसे पूछे, अगर इसके जवाब आप दे पाते हैं दो को छोड़कर, तो हम कहेंगे कि आपने इसे पढ़ा है। तो आज का ये एपिसोड यहीं तक रहेगा, कल 10 टॉपिक्स शाम तक उम्मीद है कि आएगा। तब तक अपना ध्यान रखें, रिवाइज करते रहें, और डीमोटिवेट नहीं होना है। एक दिन नहीं पढ़ पाए तो डीमोटिवेट हो गए, तो इससे बचना है, क्योंकि इससे आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। अपना ध्यान रखें, हेल्थ को मेंटेन रखें, टेक केयर।